हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मेरा बगीचा दिखाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये गेंदा फूल का पौधा है। ये देखिए, ये प्याज और लहसुन का पौधा है। ये देखिए, ये पुदीना है जो कि पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप लोगों को भी खाना चाहिए चटनी बनाकर। ये एलोवेरा है जो कि स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। ये संतरे का पौधा है, इसमें काफ़ी सारे कांटे हैं। ये देखिए, और ये गुलाब का पौधा है, इसमें अभी गुलाब खिला नहीं है, जब खिलेगा तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये मिर्ची का पौधा है, और हमने सपोर्ट के लिए ये लगा के रखा है। ये भी मिर्ची का ही पौधा है, पक भी गई है मिर्ची। काफ़ी तीखे हैं ये, हमने खाया है। ये आप देख सकते हैं, और इसमें हम धनिया और पालक के बीज लगाएंगे। ये भी आप जैसे कि देख सकते हैं, गेंदा फूल का पौधा ही है। ये देखिए, तुलसी है, काफ़ी बड़ा है, ये आप देख सकते हैं। ये भी कोई फूल का ही पौधा है, मुझे नाम नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए। और इसे हम राम तुलसी कहते हैं। देखिए काफ़ी सारे हैं, सबके नाम तो नहीं पता मुझे। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है। पर हमारे यहाँ पर ज़्यादा खुली जगह नहीं है तो हम यहाँ पर टब में ही लगाते हैं जो भी प्लांट्स होते हैं।
और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ में फूल भी निकलना शुरू हो गया है। और ये देखिए एलोवेरा है ये भी। और ये आप देख सकते हैं मनी प्लांट है ये। और अब हम हमारे घर की छत पे आ गए हैं, तो आप ये देखिए इसे हमारे यहाँ नयनतारा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग को पता है तो आप ज़रूर बताइए। ये आप देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं इसे हमारे यहाँ अपराजिता बोलते हैं, नीले नीले फूल खिलते हैं, नारायण पूजा में भी यूज़ होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।